अक्सर जहां भी क्रूरता या हैवानियत भरी तस्वीरें दिखती हैं तो हम उसे तालिबानी फरमान से जोड़ देते हैं। आम बोलचाल में भी तालिबानी नाम को क्रूरता या फिर जबरदस्ती थोपे जाने वाले फरमान के तौर पर देखी जाती है, लेकिन तालिबानी सोच और उनका फरमान पूरी तरह से अलग होता है। अफगानिस्तान में महिलाओं पर कई तरह के प्रतिबंध हैं, उन्हें घर से बाहर निकलने और सीमित दायरे तक रहने के आदेश भी दिए गए हैं, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान ने पुरुषों पर भी सख्ती कर दी है। अब पुरुषों के लिए भी तालिबान ने कई प्रतिबंध लगा दिए हैं, जैसे वो फैशनेबल हल्की दाढ़ी नहीं रख सकते, उन्हें लंबी दाढ़ी ही रखनी होगी, वो जींस नहीं पहन सकते, जींस पहनने पर भी बैन है। यही नहीं, अफगानिस्तान के पुरुषों पर पराई महिलाओं को सीधे देखने पर भी पाबंदी है, वो किसी भी पराई महिला को देख तक नहीं सकते। अब इन पाबंदियों से अफगानिस्तानी पुरुषों में अजीब सी बेचैनी नजर आ रही है। वॉशिंगटन पोस्ट ने इस पर एक बड़ी रिपोर्ट दी जिसके अनुसार पुरुषों पर ये नए प्रतिबंध ऐसे हैं कि अब वहां के पुरुष अफसोस कर रहे हैं कि उन्होंने पहले आवाज क्यों नहीं उठाई। अगर समय रहते वो इसका विरोध किए होते तो आज उन्हें इन पाबंदियों का सामना नहीं करना पड़ता। पाबंदियों और प्रतिबंधों के बाद अफगानिस्तान के पुरुष परेशान हैं। दरअसल तालिबान अफगानिस्तान में 3 साल पहले सत्ता में आए थे। अब उन्होंने महिलाओं की शिक्षा, पहनावे और व्यक्तिगत आजादी पर कठोरता से प्रतिबंध लगा दिया था। जैसे जैसे समय बीता तालिबान और सख्त होता गया, उसके प्रतिबंध और सख्त होते गए, धीरे धीरे महिलाओं के साथ पुरुषों की आजादी भी करीब करीब खत्म होती चली गई। अब तालिबान के नए आदेश ने फिर से पुरुषों की आजादी पर तलवार चला दी है। तालिबान ने आदेश दिया है कि मर्दों को लंबी दाढ़ी बढ़ानी पड़ेगी, चेहरे पर हल्की दाढ़ी, फ्रेंच कट दाढ़ी या फिर फैशनेबल दाढ़ी नहीं चलेगी। इसके अलावा पोशाक को लेकर भी पाबंदियां तय हो गई हैं। अब पुरुषों को पारंपरिक इस्लामी पोशाक ही पहननी होगी, अगर इन नियमों का सख्ती से पालन नहीं किया गया तो उनकी नौकरी तक छूट सकती है। यही नहीं, उनको सजा तक दी जा सकती है। अब नए फरमान से अफगानी पुरुष परेशान है, मजबूर है आजादी को छीनता देख वो सब कुछ चुपचाप सहने को मजबूर है। तालिबान ने पुरुषों को सख्त आदेश दे दिया है कि नमाज में शामिल होना और उपवास करना जरूरी है। इसके अलावा मुस्लिम युवकों को गैर इस्लामिक गतिविधियों में शामिल होना और गैर कानूनी है। संगीत बजाना और सांस्कृतिक उत्सवों में शामिल होने पर भी पाबंदी है। तालिबानी पाबंदियां पुरुषों के मुकाबले महिलाओं पर बहुत ज्यादा हैं। वहां कोई भी महिला पुरुष से सार्वजनिक रूप से बातचीत करने की इजाजत नहीं है उन्हें। कोई भी पुरुष पराई महिला से नजर भी नहीं मिला सकता। उनके साथ घूमना तो वहां बहुत बड़ी बात है, गुनाह है। महिलाओं के लिए तो तालिबानी कानून नर्क सा हो जाता है। महिलाएं तो 6वीं क्लास के बाद पढ़ाई नहीं कर सकती, उनका घर से निकलना बंद है। ब्यूटी सैलून तक जाने पर पाबंदी है। ब्यूटी सैलून बंद होने से करीब 60,000 महिलाएं बेरोजगार भी हुई हैं। महिला अकेले घर से बाहर नहीं जा सकती, उसके साथ पुरुष को होना जरूरी है। गलत काम करने पर तालिबानी सजा की सख्ती, और कोई गलत काम करने पर उनको सार्वजनिक रूप से कोड़े मारने की सजा दी जाती है, और बड़ा अपराध होने पर सजाए मौत तक देने में कोई परहेज नहीं। जो दुनिया चांद पर जाने का सपना देखती है, दूसरे देश जहां तेजी से तरक्की कर रहे हैं, तो वहीं अफगानिस्तान में लोगों की जिंदगी दूभर है। अब तालिबान के इस नए फरमान से वहां के पुरुष परेशान हैं, लाचार हैं, लेकिन वो मजबूर हैं। वो कुछ कर नहीं सकते, वो ऐसा जीवन जीने को मजबूर हैं।